गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सूरज कुमार PBR स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन पढ़ लिया है उसके आगे से आज नया क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो चलते हैं, क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है NCERT बुक का है प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेमी है तो ₹0.35 प्रति वर्ग सेमी की दर से इस डिजाइन को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए और √3 बराबर दिया है 1.7 का प्रयोग करिए। यहाँ पर मान दिया है √3 का। तो एक गोल मेज पोस्ट है, हमने बना लिया है एक गोल मेज पोस्ट। इस गोल मेज पोस्ट की जो त्रिज्या है वो है 28 सेमी। इसकी जो त्रिज्या है वो 28 सेमी है, तो इसको हम यहाँ भी मिला सकते हैं। तो ये भी हो गया हमारा 28 सेमी। केंद्र है, गोल मेज पोस्ट है तो केंद्र होगा, तो केंद्र से उसकी जो त्रिज्या है 28 सेमी है। अब इसको 6 डिजाइनों में बांटा गया है। देखिए, एक डिजाइन, 2, 3, 4, 5, 6। तो जो ये डिजाइन बनी हुई है बाहर, इसको बनाने में कितना खर्च आ रहा है वही खर्च हमें ज्ञात करना है। तो खर्च कितना आएगा, पहले हम इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। जो डिजाइन बना है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो जब हम डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो उसी क्षेत्रफल में जितना पैसा दिया है हम उसका गुणा कर देंगे। तो आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पर दिया क्या है, पहले जो दिया है उसको ले लेते हैं। दिया क्या है, मेज पोस की त्रिज्या, मेज पोस की त्रिज्या, त्रिज्या आर है 28 सेमी। मेज पोस की त्रिज्या आर है। अब यहाँ पर एक चीज़ ये देखिए, ये एक त्रिज्यखंड दिख रहा है, सेम इसी आकार का दिख रहा है। अगर वृत्त हो, इसके केंद्र से मिला दिया जाए तो एक त्रिज्यखंड दिख रहा है कि नहीं ये। अब इस त्रिज्यखंड के ये दोनों चापों को मिला दिया गया, दोनों चापों को मिला दिया गया तो ये क्या दिख रहा है, एक वृत्तखंड बन गया। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम कल लिखाए थे, बताए थे, इस क्या बताया गया था, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या किसकी ज़रूरत है हमें, हमको थीटा चाहिए, आर चाहिए, यहाँ भी आर चाहिए, थीटा चाहिए, आर तो मिल गया है, ज़रूरत किसकी है, थीटा की है। थीटा चाहिए और थीटा निकालेंगे कैसे, ये बताइए किसको कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में, 6 बराबर भागों में इसको बांटा गया है। लेकिन 6 बराबर भागों को बांटने के लिए, 6 बराबर भागों में ये बटा है तो ये केंद्र पर 360 अंश का कोण होता है, तो यहाँ से हम थीटा का मान निकालेंगे। तो थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 360/6। हमने 6 क्यों लिया, क्योंकि ये जो मेज पोस है इसको देखिए 6 जीवाओं में बांटा गया, अर्थात 6 बराबर भागों में ये बटा है। तो ये जो एक जीवा है, ये जीवा, अगर इस जीवा की बात किया जाए यहाँ से यहाँ तक का, तो ये जो केंद्र पर कोण आंतरित करेगा ये कोण, वो कितना बनाएगा वो कितना बनाएगा, 36 अर्थात 60 अंश का। तो ये जो जीवा है वो 60 अंश का कोण बनाएगी। आप बताइए, एक जीवा 60 का बना रहा है, ये भी जीवा 60 का बनाएगा, ये जीवा 60, ये जीवा 60, 6 के 6 जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाएंगे तो कितना हो गया, 36, 360 अंश केंद्र के चारों ओर हुआ कि नहीं हुआ। तो इसीलिए इसको जितने बराबर भागों में बांटा गया उससे हमने भाग कर दिया, तो यहाँ से मिल गया थीटा बराबर 60 अंश। तो अब पूछा क्या है, जो ये मेज पोस्ट
डिजाइन जो बनी है ये देखिए वृत्तखंड में बनी है, वृत्तखंड में बना है, त्रिज्यखंड में नहीं है, वृत्तखंड में है। तो हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस एक बटे दो आर स्क्वायर साइन थीटा। लेकिन ये एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, और ऐसे देखा जाए छः वृत्तखंड हैं, एक वृत्तखंड, दो, तीन, चार, पाँच, छः, और छः के छः बराबर है। तो छः के निकालने के लिए हम एक वृत्तखंड के क्षेत्रफल में छः से गुणा कर देंगे, जब गुणा कर देंगे तो छः के छः वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो आइए निकाल लेते हैं, मेन पोस के डिजाइन का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ऐसे करिए, क्षेत्रफल हो जाएगा छ गुणे थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एक बटे दो, ये छः का गुणा दोनों में आर स्क्वायर साइन थीटा। एक वृत्तखंड के क्षेत्रफल में छः से गुणा कर दिए तो छः के छः वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। तो अब इसका मान रखते हैं छः गुणे थीटा का मान है 60/360, पाई का मान रहने देते हैं, आर कितना है 28 है, रख सकते हैं पाई का मान 22/7, आर का मान 28 है, तो 28 × 28 दो बार 1/2, आर का मान 28 × 28, और साइन थीटा, साइन कितना है 60 अंश, ये मिल गया। इसको हल करते हैं, काटते हैं तो 7 × 28, 6 × 36, 6 बार गया, फिर काटते हैं 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, अब इधर नहीं कटने वाला है, इसको काट देते हैं 14 × 2 = 28, ये आएगा 6 × 22, ऊपर बचा 22 × 2 = 28, 22 × 2 = 28 और नीचे बचा 3 माइनस, ये कितना बचा 14 × 28, 14 × 28, और साइन 60 अंश का मान होता है अंडर रूट 3 बटे 2, ये साइन 60 अंश का मान होता है। अब इससे काटेंगे तो देखिए कट गया 7 बार गया, तो ये होगा 6 × 22 × 44 गुणे 28/3 माइनस, इसको गुणा करेंगे तो 7 × 7 = 56 7 × 2 = 14 और 14 × 5 = 19 196 √3 बचा है, √3 हो जाएगा, इतना मिल गया। अभी और इसको हल करते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं, जब इन दोनों का गुणा करेंगे 28 और 44 का, तो 28 में 44 से गुणा करेंगे तो 8 × 32 = 2 = 3, 8 × 4 = 8, 8 × 32 = 2 = 3, 4 × 8, 8 × 3 = 11, ये भी हो जाएगा 2 × 1 = 1, हल करेंगे 2 × 3 = 2 = 1, आएगा 12/32, तो ये मिलेगा 6 × 12/32 माइनस, इसका गुणा यहाँ कर लीजिए तो 6 × 3 = 18 = 8 और 9 × 3 = 27, 27 × 1 = 28 = 8 = 2 और 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 5 √3/3, ये मिला। √3 का मान यहाँ पर दिया है 1.7, √3 का मान दिया है 1.7, तो अब ये देखिए 3 से कट जाएगा, 3 × 2 = 6, तो ये आ गया यहाँ पर, आगे देखते हैं 2 × 12/32 माइनस 588, √3 का मान 1.7 दिया है, तो इसको हल करते हैं इसमें गुणा करते हैं 588 में 1.7 से, तो 8 × 56 = 6 = 5, 8 × 56 = 5 = 61, 8 × 56 = 56, 56 × 61 = 6, 56 × 61 = 1 = 6,
और 7 × 5 = 35, 35 × 6 = 41, कितना हो जाएगा भाई, 35 × 6 = 41, 1 × 8 1 × 8 1 × 5 = 5, हल करेंगे तो 6 × 9 = 9 5 × 4 = 9। इसका जो गुणा होगा इसको घटाकर इसका गुणा करके इसमें इसको घटाएंगे जो गुणा आएगा वो आएगा 464.8। अब मात्रक इसका देख लेते हैं, सेमी में है, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो आएगा कितना, सेमी स्क्वायर। ये तो हमें मिल गया मेज का जो क्षेत्रफल है, जो मेज में डिजाइन बनी है उसका क्षेत्रफल मिल गया। लेकिन वो सवाल में कह रहा है कि एक, चूँकि एक सेमी स्क्वायर की लागत 0.35 रुपया है, एक सेमी की लागत 0.35, इतने सेमी कितना, इसलिए 4.68 सेमी स्क्वायर की लागत हो जाएगा 0.35 × 4.68। तो इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 162.68 रुपया। इनका गुणा करेंगे तो आएगा 162.68 रुपया। तो ये हुआ क्वेश्चन, मेज का डिजाइन पूछ रहा था, जो डिजाइन बना है इनकी लागत कितना लागत आएगा। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कि कितने क्षेत्रफल में ये बना है, तो जितने क्षेत्रफल में बना है तो जो इसका लागत दिया है उस लागत से गुणा कर देंगे तो उसके क्षेत्रफल में, तो उसका कुल मोल मिल जाएगा। तो इसको आप सब उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन है प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि PQ = 24 सेमी, PR = 7 सेमी तथा ओ वृत्त का केंद्र है। तो जो आकृति बना है ऐसे है, ये केंद्र, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ये ओ है, दिया है PQ = 24, PR = 7। तो आकृति हमारी ये है, इस आकृति में जो ये छायांकित भाग है इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके क्षेत्रफल के लिए करेंगे क्या, तो पहले जो मान दिया उसको और लिख लेते हैं। दिया क्या है, PQ = 24 सेमी कामा PR = 7 सेमी, ज्ञात क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये देखिए, ये जो छायांकित भाग बना है आप सब प्रमेय पढ़े होंगे वृत्त पे आधारित, अगर कोई जीवा, कोई व्यास कह दी, जीवा भी एक क्या, व्यास भी एक क्या है, जीवा है। तो व्यास अगर परिध पर कोण बना रहा है, अगर अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, परिध पर समकोण होता है। तो इसको देखिए, ये क्या है, हमारा व्यास है, इस व्यास द्वारा परिध पर कोण बन रहा है। जब ये व्यास जो है परिध पर कोण बना रहा है तो ये समकोण बनाता है, 90° बनाता है, परिध पर कितना बनाता है 90। यहाँ देखिए सेम वैसे है, जो परिध व्यास है वो परिध पर जब कोण बनाएगा व्यास तो वो क्या होता है 90° का होता है। तो प्रमेय होता है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो वही चीज़ है। तो यहाँ हमें क्या मिल गया, यहाँ मिल गया गया कि ये समकोण त्रिभुज हो गया है, ये 90 है तो ये समकोण त्रिभुज है। और इधर देखिए अर्धवृत्त है, तो हम अर्धवृत्त में अगर ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो हमारा क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा। मान हमारा किसका किसका दिया, पी क्यू का दिया है, पी और क्यू का है, इसका मान अर्थात लंब दिया है, पी आर का दिया है अर्थात आधार भी दिया है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार × ऊंचाई। तो एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल यहाँ होगा, छायांकित भाग का
क्षेत्रफल होगा अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ये मिला। लेकिन उससे पहले अर्धवृत्त के क्षेत्रफल हमको त्रिज्या चाहिए, तो आइए पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं। ये हमारा त्रिज्या, ये क्या है, पूरा यहाँ से यहाँ तक व्यास है और इसका व्यास का आधा ही हमारा त्रिज्या होता है। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो हम पहले ये कर्ण हुआ हमारा क्यू आर, क्या हुआ कर्ण हुआ, तो हम पहले कर्ण यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो निकालेंगे, लगा देंगे पहले समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, लगा लेंगे क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू, पी क्यू है 24, 24 का वर्ग, पी आर कितना है 7 का वर्ग। तो क्यू आर का वर्ग बराबर 24 का वर्ग कितना होता है, 24 का वर्ग 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, हल करेंगे तो 6 आएगा 7, 576 प्लस 7 × 7 = 49। तो क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा 9 × 6 = 15, 7 × 4 = 11, 1 = 12, 625। तो क्यू आर बराबर मिल गया हमें 25 सेमी। ये हमारा क्यू से आर तक की जो भुजा है वो 25 सेमी मिल गया। लेकिन हमको त्रिज्या चाहिए, तो ये व्यास है तो इसका आधा कर देंगे तो त्रिज्या मिल जाएगी। तो वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या तो यहाँ से हम निकालते हैं, तो वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या हो जाएगी आर बराबर 25/2 सेमी। ये मिल गई त्रिज्या हमारी। अब सूत्र हमारा क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो छायांकित, छायांकित भाग का क्षेत्रफल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये हो गया। मान रखते हैं पाई 22/7, आर का मान कितना हो जाएगा, आर का मान है 25/2, तो ये हो जाएगा 25/2 गुणे 25/2, लेकिन ये दो क्या है पूरे के बटे में है तो इसको भी लगा लेते हैं, माइनस 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार इसका कितना है पी आर है, तो आधार 7 है, ऊंचाई 24 है, तो ये हो जाएगा 7 × 24। ये दो इसके साथ बीच में गुणा हो जाएगा आकर, तो इसको हल करेंगे पहले इसको काट लेते हैं, 2 से 11 बार गया, 25 × 6 = 25, 11 × 6 = 25 आया, और बटे ये 7 × 2 = 14 × 2 = 28 हो गया, और माइनस ये 7 × 4 = 28 हासिल 2, 7 × 2 = 14, 14 × 2 = 16/2, ये हो गया। इसके आई ऊपर देखते हैं, तो इसको जब हल करेंगे तो आएगा ये, इसका एलसीएम ये 2 है और 8 है, 28 है, 2 और 28 का एलसीएम कितना मिलेगा 28 मिलेगा, 2 और 28 का एलसीएम कितना मिलेगा 28 मिलेगा। और जब इनको हल करेंगे तो ये हो जाएगा, इन दोनों का गुणा कितना होगा 11 × 5 = 55, 11 × 2 = 22, और 22 × 5 = 27, 11 × 6 = 66, 66 × 2 = 68, इतना मिल गया। माइनस अब ये देखिए 2 से काटेंगे इसमें 14 बार, और 14 का गुणा इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 23/52, और इनको हल घटा लिया जाए तो ये 3 बचा, 7 में से 5 गए 2 बचा, 8 में से 3 गए 5 बचा, 6 में से 2 गए 4 बचा, बटे 28, इतना क्या क्षेत्रफल है सेमी स्क्वायर, ये हमारा आंसर मिला 4523/28, ये आएगा हमारा आंसर। तो जो पूछा था छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये अर्धवृत्त इधर दिख रहा है तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। और जिसको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती होगी
समस्या आती हो, चाहे वो गुणा हो, चाहे भाग हो, चाहे जोड़, चाहे घटाना, तो आप पीबीआर स्ट्री पर जाकर वहाँ पर बेसिक नॉलेज बताया गया है, गुणा भाग 0.0 जीरो टेबल मैथ बताया गया है, आप जाकर वहाँ पर देख लीजिए। लेवल है जीरो लेवल, सॉरी जीरो लेवल मैथ बताया गया है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन इसी अध्याय का क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यदि केंद्र ओ वाले दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेमी तथा 14 सेमी है तथा कोण एओसी बराबर 40 है। केंद्र ओ वाले दो संकेंद्री वृत्त, जिसका केंद्र एक ही हो उसी केंद्र पर दो वृत्त बनाए गए हैं, जिसकी त्रिज्या एक की 7 सेमी है, एक की 14 है, तो जो 7 सेमी होगी छोटे की त्रिज्या होगी और 14 सेमी जो है वो बड़े की त्रिज्या है, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है। तो कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो जो ये छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हम करेंगे क्या यहाँ पर इसका करेंगे, जो ये बड़ा वाला त्रिज्याखंड है ओ ए सी, इसका क्षेत्रफल में हम ओ बी डी का क्षेत्रफल घटा देंगे। बड़े वाले देखो, बड़े वाले वृत्त का जो त्रिज्याखंड क्या है वो है ओ ए सी है, बड़ा वाला क्षेत्रफल इसका, और इसके बड़े वाले त्रिज्याखंड में हम छोटा वाला त्रिज्याखंड घटा देंगे ओ बी डी, अगर इसको घटा देंगे जो छायांकित भाग है वही क्षेत्रफल बचेगा, और ये वाला कोण हमको दिया है 40 अंश, दिया क्या है ए ओ सी बराबर 40 अंश। तो दिया छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं आर वन है, कितना 7 सेमी, बड़े वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर हो जाएगा 14 सेमी, और क्या दिया है कोण AOC बराबर 40 अंश, अर्थात ये कोण दोनों के लिए काम करेगा, बड़े त्रिज्याखंड के लिए भी और छोटे त्रिज्याखंड के लिए, दोनों के लिए कोण काम करेगा। तो निकाल लेते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा ए ओ ए सी ओ का क्षेत्रफल, ओ ए सी ओ का क्षेत्रफल माइनस, इसका मतलब ये हुआ ओ ए सी ओ का क्षेत्रफल का त्रिज्याखंड ओ ए सी ओ का क्षेत्रफल, ये त्रिज्या है तो त्रिज्याखंड है, माइनस ओ बी डी ओ का क्षेत्रफल, ये मिल गया। अब इनका सूत्र लगाते हैं, त्रिज्याखंड है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपान 360 पाई, बड़े वाले, बड़े वाले की त्रिज्या हम क्या माने हैं आर टू माने हैं, तो आर टू का स्क्वायर माइनस थीटा अपान 360 पाई, छोटे वाले की त्रिज्या आर वन माने हैं तो आर वन स्क्वायर, ये दोनों कॉमन हो गए, थीटा अपान 360 पाई कॉमन ले लेते हैं तो क्वेश्चन बचेगा आर टू का स्क्वायर माइनस आर वन का स्क्वायर, थीटा का मान है 40 अंश रख देते हैं, 360 पाई का मान 22/7 देख लेते हैं सवाल में कहीं 1.314 तो नहीं कहा है, नहीं कहा है तो 22/7 हम रख सकते हैं। R2 कितना है 14 का वर्ग है, माइनस R1 कितना है 7 का वर्ग है, इनको हल करते हैं, हल करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से 0 कटा 4×9=36, तो ये हो गया 22/9 = 63 पुस्तक 14 का वर्ग, 14 का वर्ग करते हैं तो कितना हो 196 और माइनस कितना है 7/49 ये मिल गया। तो इनको हल करेंगे तो पहले इनको घटा लेते हैं, तो 22/63 इन गुड़े इनको घटाते हैं, जब इनको घटाएंगे तो आएगा क्या हमारा 9 है, एक मिनट हाँ पाई मार रखे हैं 22/7 16 में से 9 गए 7, यहाँ बचा 8 में से 4 गए 4 और 1 बचा, क्या ये 7 से कटेगा, जी हाँ कटेगा, तो 7×9=63 7×2=14 7×1=7 3 से कटेगा 3×3=9 3×7=21 अब इसको गुणा कर लेते हैं 7×2=14
सात दूनी चौदह एक पंद्रह और बटे तीन इतना सेमी स्क्वायर। ये हमारा क्या मिल गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल 154 बटे 3 सेमी स्क्वायर। तो ये समझ में आया होगा, इसको आप सब उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि आकृति में ए बी सी डी भुजा वाले 14 सेमी एक वर्ग है। आकृति में क्या है, ये 14 सेमी भुजा का एक वर्ग है, इतना समझ में आया। फिर आगे कह रहा है कि ए बी सी डी को केंद्र मानकर चारों वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 को बाह्यता रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए बी सी डी इन चारों को केंद्र मानकर चार वृत्त ऐसे खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 2 वृत्तों को स्पर्श करता है। जैसे ये वृत्त देखिए, इसको भी स्पर्श कर रहा है, इसको भी, ये वृत्त इसको और इसको भी बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है, तो हमारा ये छायांकित भाग है बीच में, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। इसकी जो भुजा है 14 है, वर्ग की जो भुजा है, वर्ग ए बी सी डी की भुजा बराबर है 14 सेमी। वर्ग ए बी सी की जो भुजा है वो हमारा क्या है, 14 सेमी है। तो पूछ क्या रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये बताइए, जब ये समान वृत्त हैं, एक ही त्रिज्या के हैं, जब एक त्रिज्या के वृत्त हैं, तो यहाँ से यहाँ तक 14 है, पूरा व्यास हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 7 होगा। तो अगर देखा जाए, एक केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 7 है, बी केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या 7 है, डी केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या भी 7 है, और सी केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या भी 7 है। तो चारों वृत्त की जो त्रिज्याएं हो जाएंगी, चारों वृत्त की त्रिज्याएं आर कितना मिल जाएगा, 7 सेमी, क्योंकि त्रिज्या सबकी समान है। इतना हो गया। अब पूछा क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या हुआ, ए बी सी डी का, ए बी सी डी वर्ग ए बी सी डी के क्षेत्रफल में चार चतुर्थांश बन रहे, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा और चौथा। इसको घटा देंगे तो जो बीच का भाग बच रहा है वर्ग का, वही तो बचेगा, और वही हमारा क्या है, छायांकित है, तो उसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम चारों चतुर्थांश, और ये चारों चतुर्थांश देखिए क्या एक त्रिज्यखंड दिख रहे हैं, तो जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा वही इन चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। त्रिज्या इसकी मिला है, त्रिज्या हमको मालूम है, कोण चाहिए, और देख रहे हैं ये वर्ग है, तो ये कोण कितना है, 90 है, इसका भी कोण कितना है, 90 है, इसका भी कोण कितना है, 90 है, और ये भी कितना है, 90 है। कोण हमको जो मालूम है वो कितना हो गया, 90। थीटा इसका मिल गया कितना, 90 है, चतुर्थांश का जो थीटा है वो कितना मिल गया, 90। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा का वर्ग। चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 गुणे थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर कितने त्रिज्यखंड है, 1, 2, 3, 4, तो हमने क्या किया, 4 से गुणा कर दिया। अब इनका मान रखते हैं, भुजा वर्ग की भुजा कितनी है, 14 है, तो 14 का वर्ग माइनस 4 गुणे थीटा 90 है बटे 360, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 × 7, 2 × 7, तो ये 7 से 7 कटा, 0 से 0, 9 × 36, 4 से 4 कटा, 14 का वर्ग कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 × 16, 1 × 1 = 1, 4 × 2 = 8, तो ये हल करेंगे तो हो जाएगा 196, 14 का वर्ग 196। माइनस बचा क्या, ये 4 से 4 ये कट गया, ये पूरा ख़त्म है,
बचा क्या, ये 22 और गुणे 7, तो इसका गुणा करते हैं 7 × 14, 7 × 14 एक 15, हल करेंगे इसको घटा लेंगे, जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 2 बचा, 9 में से 5 गए 4 बचा, 42 सेमी स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल है ये, ये क्षेत्रफल आया हमारा जो छायांकित भाग है, जितना हमारा छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आ गया 42 सेमी स्क्वायर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल 42 सेमी स्क्वायर। अब इसको ऐसे सवाले आएंगे और भी, तो चतुर्थांश जब कहेगा, चतुर्थांश का मतलब यही हुआ कि वृत्त का चौथाई भाग, पहले वृत्त का, तो जो वृत्त का यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल था तो वो क्या मिला, वर्ग के क्षेत्रफल में हम चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा दिए। ऐसे सवाल ही आता है, जब चतुर्थांश की बात करेगा तो उसके कोण हमेशा 90 होंगे, क्योंकि वृत्त को चार बराबर भागों में बांटना है, जब वृत्त को चार बराबर भागों में बांटते हैं तो उसका कोण 90 अंश होता है, तो थीटा हमें वहाँ से हमेशा 90 ही लेना है, तो इसको आप सब उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन है इसी अध्याय 12.3 का ही क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन आप सब लिख लिया करें, तो क्वेश्चन लिखिए, एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 17,320.5 वर्ग सेमी है, इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर, त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे, त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पाई का मान दिया है 3.14 और रूट 3 बराबर दिया है 1.73205। पाई का मान दिया है 3.14 और रूट 3 का मान दिया है 1.73205, अर्थात हमें पाई का मान यहाँ पर 22/7 ना लेकर 3.14 लेना है और रूट 3 का जो मान दिया है वो दिया है 1.73205। तो यहाँ पर दिया क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसके शीर्षों को केंद्र मानकर तीन वृत्त खींचे गए, हैं, तो जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो ये बताइए, जो ये वृत्त बने हैं ये त्रिज्यखंड दिख रहा है, त्रिज्यखंड दिख रहा है कि नहीं। अब समबाहु त्रिभुज है तो ये कोण कितना होगा, 60 अंश होगा, ये भी 60 अंश होगा, ये भी 60, अर्थात तीनों का प्रत्येक का कोण भी कितना है, 60 अंश है, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 अंश के होते हैं। तो इसका क्षेत्रफल दिया है समबाहु त्रिभुज का, अगर इसकी भुजा निकाल लें तब इसकी हमें त्रिज्या मिल जाएगी, भुजा जो है भुजा का आधा कर देंगे तो त्रिज्या मिलेगी, तो पहले आइए हम इसका भुजा निकालते हैं। तो दिया क्या है, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल दिया है वो दिया है 17,320.5 सेमी स्क्वायर, ये हमें क्षेत्रफल दिया है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, होता है 4/√3 भुजा स्क्वायर, और यही बराबर है 17,320.5 के, √3/4 ये होता है। अब ये 4 इसमें क्या है, बटे में है, उधर जाएगा गुणे में होगा, तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा 17,320.5 गुणे 4, और ये इधर गुणे में है तो इधर किस में आएगा, बटे में आएगा, तो ये हो जाएगा भुजा का वर्ग
बराबर 17,320.5 गुणे 4 बटे रूट 3 का मान दिया है, कितना दिया है 1.73205। अब यहाँ बताइए, एक अंक बाद दशमलव है, यहाँ दो दो चार एक पाँच अंक बाद दशमलव है, तो दशमलव हटाने के लिए यहाँ एक अंक है, यहाँ पाँच है, तो एक अंक से एक अंक दशमलव हट गया, बचा कितना 4 अंक। तो दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एक 10,000 से गुणा कर देंगे, तो भुजा का वर्ग बराबर हो जाएगा 17,320.5 गुणे 4 बटे 17,320.5 गुणे 10,000, 1,2,3,4,0। अब ये इससे कट गया, कट गया, बचा क्या, भुजा का वर्ग बराबर ये 4 है, कितना हो गया ये 40,000। तो यहाँ से भुजा बराबर निकालेंगे तो भुजा बराबर आएगा, इसका वर्ग कितना हो जाएगा 4,000 है, मतलब सॉरी 40,000 है, तो ये मिल गया कितना 200 सेमी, इसका वर्ग मूल क्या आएगा 200 आएगा। अब ये हमें मिल गया क्या, भुजा, जब इसकी भुजा मिल गई तो हम निकाल लेते हैं त्रिज्या, त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा आर 200 बटे 2, काट देंगे 100 बार, तो कितना आ जाएगा त्रिज्या 100 सेमी, त्रिज्या मिल गई हमारी 100 सेमी की। अब जब त्रिज्या मिल गया तो निकालना है छायांकिक भाग का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा छायांकिक भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड कितने हैं 3 हैं, तो 3 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 3 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 3 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पर लगाते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 17,320.5, 17,320.5 माइनस त्रिज्यखंड क्या हो जाएगा 3 गुणे थीटा का मान 60 है, तो 60 बटे 360 मिला, होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान रख सकते हैं कितना, पाई का मान दिया है 3.14, आर कितना है, आर हमारा यहाँ पर देखिए 100 आया है, तो 100 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000, तो 1,2,3,4,0। अब इसको काटते हैं, काटेंगे तो 6×6=36, फिर काटेंगे 3×2=6, यहाँ काट लेंगे तो 2×5=10, तो हल करते हैं इसको 17,320.5 माइनस इसका गुणा कर लेंगे तो 0,0,0, 3 0 बढ़ गया, 4×5=20 की 0 हासिल 2, 4×5=5=7 और 3×5=15, कई अंक बाद 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, लग गया दशमलव। अब इनको घटा लेते हैं, जब इसको हम घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 5.05, यहाँ 0 में से 0 गए 0, 2 में से 0 गए 2, 13, 13 में से 7 गए, तो 7×7=14 होता है 13 है, 6 बचा, यहाँ बचा 6 में से 5 गए 1, 1 में से गए 0, इतना सेमी स्क्वायर। जो हमारा छायांकिक भाग का क्षेत्रफल आया वो आया 16,20.5 सेमी स्क्वायर। तो छायांकिक भाग का क्षेत्रफल हम देख रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज के बीच में ही थोड़ा सा स्थान खाली है, वही छायांकित है, और उसके किनारों पर त्रिज्यखंड 3 दिख रहे हैं। तो हम इसको निकालने के लिए करेंगे क्या कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में हम जो तीनों त्रिज्यखंड हैं उनका क्षेत्रफल घटा दिए, जब क्षेत्रफल घटा दिए तो जो शेष भाग बचा वही हमारा छायांकिक है। तो ये इसको आप सब उतार लीजिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है आप सब लिख लीजिए। एक वर्गाकार रुमाल पर
नवबृत्ताकार डिजाइन बने हैं, नवबृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेमी है। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया है एक वर्गाकार रुमाल है, इस पे 9 डिजाइन बनी हुई, 9 डिजाइन देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डिजाइन। अब जो 9 डिजाइन बनने के बाद जो शेष भाग बच रहा है, जैसे ये वाला भाग इतना बचा, ये बचा है, ये बचा है, यहाँ पर ये 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 ये, तो इन सब का क्षेत्रफल पूछा है कि जो शेष भाग बचा है उसका कुल कितना क्षेत्रफल अभी बचा हुआ है, तो वही ये पूछा है। तो आइए हम निकालते हैं कैसे बताएं। जो वर्गाकार डिजाइन है रुमाल है, इसमें जो वृत्ताकार डिजाइन बनी है, वृत्ताकार डिजाइन का जो त्रिज्या है वो 7 सेमी है। वृत्ताकार डिजाइन की जो त्रिज्या है, हाँ भाई 7 सेमी है, ठीक। तो यहाँ पर निकाल करते हैं इसको, चूंकि वर्गाकार वर्गाकार रुमाल की भुजा AB पर 3 डिजाइन बने हुए हैं। देखिए भुजा AB पर 3 डिजाइन है, 1 डिजाइन, 2 डिजाइन, 3 डिजाइन। अब 1 डिजाइन की जो त्रिज्या है, चूंकि 1 डिजाइन की, 1 डिजाइन का व्यास, व्यास निकाल लेते हैं तो क्या होगा, 2 गुणे त्रिज्या, तो 2 गुणे त्रिज्या कितना, 7 है, 7 × 14 सेमी, अर्थात 1 डिजाइन का जो व्यास मिला 14 है, तो दूसरे का 14। अब देखिए तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये यहाँ से, और ये लास्ट में दोनों जुड़े हैं। इसका मतलब जितना इन तीनों का व्यास होगा, इसका व्यास प्लस इसका व्यास प्लस इसका व्यास, तीनों का व्यास जोड़ लेंगे तो वो वर्ग की भुजा के बराबर होगा। तो निकाल लेते हैं वर्ग ABCD की भुजा, तो भुजा हो जाएगा 3 × 14 = 14 × 3 = 42 सेमी, अर्थात तो वर्गाकार जो रुमाल है उसकी प्रत्येक भुजा 42 सेमी है, इतना हो गया। तो पूछा क्या है, पूछा है कि जो खाली क्षेत्रफल बचा है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो निकाल लेते हैं शेष बचे रुमाल का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस 9 × 1 डिजाइन का क्षेत्रफल, 1 डिजाइन का क्षेत्रफल। तो वर्ग ABCD का वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा भुजा का वर्ग, क्या हो जाएगा भुजा का वर्ग 9 × डिजाइन किस आकार का है, वृत्त के आकार का, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² तो भुजा कितना है हमारा 42 है, तो 42 का वर्ग 9 × पाई का मान 3.14 नहीं यूज कराया है तो 22/7 रख सकते हैं। आर कितना है, जो हमारी डिजाइन है उसकी जो त्रिज्या है वो 7 सेमी है, सवाल में कहा है 7 सेमी, तो 7 × 7 हो जाएगा, ये 7 से ये 7 कट गया, 42 का वर्ग कर लेते हैं तो 2 × 4 होगा, 4 × 16, 4 × 8 × 16, तो 4, 6, 7, 1 ये आएगा 1764 माइनस, इसका गुणा करेंगे 9 × 18, 9 × 18 = 19 × 7, तो इनको हल करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसमें घटाएंगे, तो इसका जो घटाने के बाद जो बचेगा वो बचेगा 378 सेमी स्क्वायर, ये आ जाएगा क्या, जो शेष भाग बचा है ये जो शेष भाग यहाँ बचे हैं डिजाइन बनने के बाद,
डिजाइन बनने के बाद जो शेष भाग बचे हैं उनका जो क्षेत्रफल आएगा वो क्या आएगा, 378 सेमी स्क्वायर आएगा। तो आशा है कि आप सबको बहुत अच्छे समझ में आया होगा ये सवाल, तो इसको आप सब उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप सब लिखिए, आकृति में, आकृति यहाँ पर बनी हुई है, सेम आकृति यही है, आकृति में ओ ए सी बी, ओ ए सी बी केंद्र ओ और त्रिज्या, केंद्र ओ और त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि ओडी बराबर 2 सेमी है, ओडी बराबर 2 सेमी, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन, चतुर्थांश ओ ए सी बी, चतुर्थांश ओ ए सी बी। दूसरा क्वेश्चन है छायांकित भाग, छायांकित भाग। दो क्वेश्चन हमको मिल गए। पहला क्वेश्चन है कि चतुर्थांश ओ ए सी बी अर्थात इस पूरे का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और दूसरा निकालना है ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल। दिया क्या है, कह रहा है कि एक इसकी जो त्रिज्या है ओ केंद्र वाले, इसकी जो त्रिज्या है 3.5 है, यहाँ से यहाँ तक 3.5। तो ये बताइए भैया, जब ये चतुर्थांश कहा है तो जितनी त्रिज्या ओ बी होगी वही तो ओ ए भी है, 3.5 ये भी हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। फिर क्वेश्चन में कहा है कि ओ डी बराबर 2 सेमी, ओ डी कितना है, 2 सेमी है, ये यहाँ से यहाँ तक सिर्फ कितना है, 2 सेमी है, ये बात समझ में आई। तो आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो निकालते हैं क्या है, चतुर्थांश, चतुर्थांश ए ओ बी की त्रिज्या, त्रिज्या है कितना, 3.5 सेमी। जो ये हमारा ये चतुर्थांश है इसकी त्रिज्या कितना है, 3.5 सेमी, त्रिज्या अर्थात आर कह सकते हैं, आर बराबर। तो निकाल लेते हैं चतुर्थांश, चतुर्थांश, और यहाँ ये देखिए चतुर्थांश का है, इसके पहले ही सवाल मैंने बताया था, दो सवाल पहले, कि चतुर्थांश जब कहे तो उसका कोण जो थीटा होता है वो 90 होता है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 90 अंश। तो थीटा बराबर कॉमा थीटा बराबर 90 अंश। तो चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, पहली सवाल के लिए चलते हैं, यही पूछा है, ये हो जाएगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा 90 बटे 360, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान है 3.5 × 3.5, इसको काटते हैं तो 9 × 36, चार बार गया, काटेंगे 2 × 2 = 4, 2 ग्राम में काटेंगे, 7 × 5 = 35.5, तो हल करेंगे तो 11 × 5 = 55, 5.5 × 3.5 बटे 2 बचा, बटे में 2 आ गया। अब इसको हल और आगे हल करते हैं, 5.5 का अगुणे 3.5 करेंगे और बटे में हमारा कितना है, 2 है, तो इसको पहले हम दशमलव हटा लेते हैं, दशमलव हटाएंगे तो आएगा 55 × 35, अब बटे 2 दशमलव होता है 200 आएगा। अब इसको काटते हैं, 5 ग्राम में 5 × 4 = 20, ये कटेगा 5 × 7 = 35 और 5 × 8 = 40, तो हल करेंगे आगे, इसका मान क्या मिला, 11 × 7 = 77/8 सेमी स्क्वायर। इतनी बात समझिए, जो हमारा चतुर्थांश है ओ ए सी बी का क्षेत्रफल क्या आया, 77/8 सेमी स्क्वायर। अब पूछ रहा है कि दूसरा क्वेश्चन है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो दूसरे क्वेश्चन के लिए चलते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा छायांकित, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल
माइनस किसका, ये घटा देंगे त्रिभुज, जैसे कह लो समकोण त्रिभुज, क्योंकि समकोण है तो समकोण त्रिभुज कह सकते हैं, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ बी डी का क्षेत्रफल। तो हल करते हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना मिला है, 77/8 मिला है, 77/8 माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 आधार इसका है 3.5 और इस त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो 2 है, तो ये 2 से 2 कट गया, मिला क्या 77/8 माइनस 3.5, तो 77 माइनस इसका गुणा करेंगे 8×5=40 और 8×3=24 और 24×4=28 इतना 8/8। तो ये आगे हल करेंगे तो इसका जो आंसर मिलेगा 77 में 28 घटाएंगे तो 17 में से 8 जाएगा, तो ये होगा 49/8 सेमी स्क्वायर। ठीक, तो हमारा जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिला वो क्या मिला, 49/8 सेमी स्क्वायर। तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए करना क्या था, हमें जो चतुर्थांश दिया था उस चतुर्थांश के क्षेत्रफल में हमें जो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज दिख रहा था उसका क्षेत्रफल घटा देना चाहिए था, तो वही हमने किया। छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल यहाँ पर हमने निकाला था 77/8 और इसके क्षेत्रफल में हमने समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया। समकोण त्रिभुज में सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार इसका है 3.5 और ऊंचाई इसका दिया है 2 सेमी, तो आधार हो गया 3.5×2, तो इसको हल किए, हल करने पर क्या आया 49.8 सेमी स्क्वायर। तो इसको आप सब उतार लीजिए, तो आप सब इसको उतार लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ आप विशेष ध्यान रखिए, आप फेयर बनाते चलिएगा इसका, भले भी 60 क्लासेज है, कम समय में अधिक से अधिक पढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन आप फेयर बना लीजिए, क्योंकि अगर आप फेयर बनाए रहेंगे अभी तो एग्ज़ाम टाइम में आपको वीडियो दोबारा नहीं देखना पड़ेगा, आप फेयर पढ़ के तुरंत उसको देख लीजिएगा। तो बस आज की क्लास यहीं तक, अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, अगर जो नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही, गुड, यहाँ से हम अलविदा कहते हैं, थैंक्स।